यादव जी, धरापुत्र चौधरी चरण सिंह जी, इनके विचारों का एक जो प्रतिपृक्ष मुलायम सिंह यादव जी ने लगाया है, इसको जीवंत करने के लिए काम सौंपा है अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं, अनेकों ऐसे काम किए हैं जो उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं पूरा देश याद करता है। ऐसी व्यक्ति जो सहज हो, सरल हो, संयमी हो, खेत खलिहान से भी जिसका वास्ता रहा हो, तकनीकी शिक्षा में जो पारंगत हो, तो ऐसी व्यक्ति के हाथ में अगर समाज में जाएगा। सवाल नहीं लिया, अखिलेश जी के काम तो पूरा देश जानता है। मेरा सवाल इतना था जी, आज के दौर में जब जो अमित शाह और मोदी की जोड़ी है, जो विपक्ष के नेता है, वो सड़कों पर निकल नहीं रहे, राजनारायण जी की उनकी पर मेरा ये सवाल है, क्या राजनारायण की जरूरत है जो इंदिरा गांधी की आंखों में आंख डाल के बात करते हैं? मैं यही तो कह रहा हूँ, आज देश में उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में छात्र छात्राएं नौजवान उद्वेलित हैं, हमारे संविधान को खतरा पैदा हो गया है। ऐसे में राजनांद जी की बहुत आवश्यकता है। इस मौके पर हम लोग यहाँ पर आए, राजनांद जी अगर होते नेतृत्व करते दिख रहे हैं, जो यूपी में 11,000 लोगों पर FIR दर्ज हुआ है, 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 1100 लोग की गिरफ्तारियां हुई है, मुझे तो कोई अपोजिशन का नेता सड़क पर दिख नहीं रहा है, लोग आम लोग मारे जा रहे हैं। देखिए अखिलेश यादव जी बिल्कुल बहुत चिंतित हैं और सड़क पर उतरने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिला हेडक्वार्टर में राजनांद जी की पूरी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। हम यहाँ देश की राजधानी में मना रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, और हमने अभी निश्चित किया है 1 महीने के अंदर, इस महीने के अंतिम दिन तक हम एक राजनांद जी और हमारे जो समाजवादी विचारक रहे हैं, नेता रहे हैं, लीडर्स रहे हैं, उनको विचारों को लेकर प्रशिक्षण शिविर लगाने जा रहे हैं और शिक्षित करेंगे कि देश को केवल और केवल समाजवादी विचार ही इस समस्या से उबार सकता है। इस वक्त जो जिन लोगों के हाथों में सत्ता आ गई है, वो क्या है समझ लीजिएगा, वो धर्मांधता की आग में उन्होंने झोंक दिया है, सांप्रदायिक हैं और देश को डिवाइड करने में, बांटो और राज करो। कौन लोग हैं ये लोग? कौन लोग? कौन भाजपा के लोग हैं? भाजपा का कहां से पोषित है? वो तो RSS से पोषित है, वो विचारधारा जिन्होंने आजादी से पहले भी शोषण किया है, 2-5% लोग हैं, आजादी के बाद भी वो देखिए आज सत्ता पे कौन लोग हैं। सर एक बात बताइए सर, थोड़ा सा एक दो सवाल और लूंगा, जो मन आए तो जवाब दीजिए, ना तो ना जवाब दीजिए, मेरा सवाल तो पूछना काम है। इस दौर में प्रधानमंत्री को जो इंदिरा गांधी के भी खिलाफ इमरजेंसी के खिलाफ भी राजनीति हुई, लेकिन समर्थन में इमरजेंसी के समर्थन में कोई रैली नहीं होती थी। अमित शाह मोदी जो CA ला रहे हैं, NRC ला रहे हैं, NPR ला रहे हैं, उसके समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं, उनके विरोध में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि उनका एक बड़ा तबका है इस देश में जो RSS BJP को चाहता है, वो चाहता है कि मुसलमानों को बाहर भेजा जाए, वो चाहता है कि आरक्षण खत्म हो। ऐसे में सुनिए, सवाल सुनिए सर, ऐसे में जब आपने कहा कि अखिलेश यादव सुनिधि हैं या मायावती हो, किसी को मैं कह रहा हूँ, ऐसे वक्त में जब आम लोग मारे जा रहे हैं, आम लोग सड़क पर हैं, मुझे कोई राजनारायण सिंह दिख नहीं रहा है, मुझे कोई मधुसूदन दिख नहीं रहा है, मुझे कोई लोहिया नहीं दिख रहा है जो जिस तरह से नेहरू को वो काउंटर करते थे संसद में। आप सीनियर नेता है, मैं तो अभी बच्चा हूँ आपके सामने, मेरा सवाल ये कि ऐसा कोई नेता आपको दिख रहा है? ईमानदारी से बताइए, नहीं तो मैं जनता से हाथ उठवा दूंगा। मुझे नहीं दिख रहा, सब अपने अपने खोल में बैठे हुए, सबको CB, CID और ED का डर सता रहा है। आप CBI के बदले ED कह रहे हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर। देखिए 1991 में ये लिबरलाइजेशन उदारीकरण शुरू हुआ, यहाँ से पूंजीवाद का उसी को भाजपा ने हाथ में पकड़ लिया, और देखिए इनके हाथ में जब पूंजी इनके साथ में है, शासन प्रशासन इनके हाथ में हो गया। आप समझिए पूंजी, आप मीडिया के बंधु हैं, मीडिया के बंधु देखिए क्या जनता की आवाज़ आप हमारे आ रही है, क्या गोद में नहीं बैठ गए जाके अखबार वाले टीवी वाले? भाई नेता डरे हुए तो अखबार टीवी वाले की औकात क्या है? नहीं देखिए अखबार वाले टीवी वाले मीडिया हाउसेस हैं, वो तो सेठों के हैं, और उसमें काम करने वाले हैं वो कौन लोग हैं आप जाने, आप अपने बता दें आप कौन हैं क्या हैं, वहाँ कोई साधारण जनता उसमें तो कोई है नहीं।
ठीक है, वही तो सवाल है सर, जब नेता डरे हुए तो पत्रकार को बलि कब तक चढ़वाइएगा? अरे भैया प्रशिक्षण शिविर, ये समाजवादी सोच और ये पूंजीवादी सोच दोनों में टकराव होगा। हम जब जनता के बीच में जाएंगे, जनता हमारी समझेगी, जनता पिस रही है, जनता मर रही है, रोजगार नहीं है, नौजवान उद्वेलित है, किसान मर रहा है और पूंजी चंद लोगों के हाथ में, आज हमारे वक्ता कह रहे थे 10-20 लोगों के हाथ में चली गई है। तो सुनिए, पूंजी का और सत्ता और प्रशासन का जो संवैधानिक सत्ता, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन पर कौन बैठे? हरीश यादव जी, आपने लंबे समय से राजनीति देखी, आपको तो डर नहीं लग रहा है ना? आप इस बात का 25 साल से, जब से समाजवादी पार्टी बनी 27 साल हो गए हैं, कहीं कभी नहीं सुना होगा हम कोई राजनीति नहीं करते रहे हैं। हम तो अभी चंद दिनों से आए हैं, हाँ राजनीति के इनके समाजवादी समर्थक रहे हैं, समाजवादी समर्थक हैं। नेता मुलायम सिंह यादव जी मेरे अध्यापक रहे हैं, उन्हें 9th क्लास में मुझे एडमिशन किया था, तो मैं उनका जाइएगा नहीं, माइंड अप करूंगा। देखिए सवाल पूछना मेरा काम है, मैं जब भी किसी से मिलूंगा तो सवाल ही पूछूंगा, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, देश में जो हालात हैं उसमें पूरे देश की निगाहें, खासकर जो SC ST OBC माइनॉरिटी के ऊपर, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे वो मायावती हों, चाहे वो हेमंत सोरेन हों, चाहे वो तेजस्वी यादव, लालू यादव हों, चाहे वो MK स्टालिन हों, उन्हीं की तरफ जनता की नजरें हैं। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।